हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। जब हम बात करने वाले हैं अजय देवगन सर की मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर मूवी यानी भोला, जिसको रिलीज में अभी 4 दिनों का वक्त बचा हुआ है और आज है संडे और आप लोग कह सकते हो कि लगभग सभी जगह पे जो है एडवांस बुकिंग ओपन हो चुके हैं। हाँ, 2D वेरिएंट जो है वो अभी तक पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है और उसका प्राइस कितना है, टिकट प्राइस वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। बाकी जितने भी 3D है, IMAX 3D, 4DX जितने भी चीजें हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। क्या क्या सीन अभी करता हुआ नजर आ रहा है आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अभी तक कितना एडवांस बुकिंग हो चुका है और कितना इसको करना चाहिए और ये कितना कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी 2D से। तो अभी तक सभी जगह पे जो 2D अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन जो टिकट प्राइस है वो यहाँ पे सामने निकल के आया है। जब निकलेगा उसके बाद कल के दिन आराम से पता चल जाएगा 2D के अंदर क्या क्या सीन चल रहा है। तो अभी प्राइस जान ले कि 199 रुपए का ये 2D टिकट है। भाई 2D के अंदर 200 रुपए देके आपको टिकट देखना पड़ेगा, तो प्राइस देख सकते हो 2D के अंदर ही काफी हाई है। तो जो कलेक्शन निकल के आएगा वो भी काफी अच्छा खासा निकल के आने वाला है। हिंदी 3D की बात करें तो 3800 यहाँ पे सोल्ड हो चुके हैं। टिकट प्राइस की बात करें तो 273 रुपए का प्राइस यहाँ पे हिंदी 3D का रखा है। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो अब 2,86,000 यहाँ पे हो चुके हैं। 530 टिकट यहाँ पे सोल्ड हो चुके हैं और टिकट प्राइस की बात करें तो 506 यानी 506 रुपए का हिंदी IMAX 3D का टिकट प्राइस यहाँ पे रखा गया है। 4DX 3D की बात करें तो 2,10,000 यहाँ पे हो चुके हैं और 400 टिकट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 540 रुपए का जो है टिकट प्राइस यहाँ पे रखा गया है और इन्हीं को अगर टोटल कर दे तो अभी तक 5,19,000 का कुछ एडवांस बुकिंग यहाँ पे हो चुका है। तो खाली ये तो भी आप लोग कह सकते हो कि स्टार्टिंग है, आज संडे भी है और आज का पूरा दिन यहाँ पे बचा हुआ है, कल परसों तरसों यानी पूरा 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिनों के अंदर काफी अच्छी तरीके से चीजें होएगा और 2D जो है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आज से ही आराम से ओपन हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे 2D वेरिएंट ओपन नहीं हुआ, अवेलेबल नहीं हुआ है। आज शाम तक आराम से हो जाएगा और कल तक फुल फिल्म स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा है वो है टिकट प्राइस। हाँ, मुझे पता है कि IMAX 3D में आएगा, 4DX में आएगा तो उसका प्राइस जो रखा गया है वो सही है, लेकिन 2D का जो प्राइस रखा गया है 200 रुपए का, 199 रुपए का, वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। वो अगर 120 से लेके 150 तक होता तो शायद से ठीक था, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मेरे को लगा। अभी पता नहीं क्या है, आप लोग इस बीच में क्या करें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। शायद उसके बाद थोड़ा सा कम करवा दिया जाए, ये पहले थोड़ा बढ़ रहा है उसके बाद कम करवा दे, मुझे पता नहीं, लेकिन ये अभी है। तो आने वाले टाइम में अगर मेरे हिसाब से जो मैंने पहले भी कहा था, अगर डबल डिजिट में ये अपने एडवांस बुकिंग लेके पहले दिन आता है यानी 10 करोड़, तो जो मैंने आपको कहा था कि 25 से 30 करोड़ नेट इंडिया से आराम से कमाई करने वाला है, और अगर डबल डिजिट ना होता है यानी 6 करोड़ 7 करोड़ ऐसा कुछ कलेक्शन लेके पहले दिन आता है तो 15 से लेके 20 करोड़ ये कर सकते हैं। अगर 15 से 20 करोड़ भी कर ले डबल डिजिट ना भी हो एडवांस बुकिंग में तो भी ये खराब बिल्कुल भी नहीं है। इसके बजट के हिसाब से देखा जाए तो 100 करोड़ भोला का बजट है जितना मेरे को सुनने में आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर ये 20 करोड़ पकड़ लेता हूं मैं, 20 करोड़ अगर होता है तो एक हफ्ते के अंदर ही आराम से अपना बजट रिकवरी करेगा और ये एक अलग लेवल ब्लॉकबस्टर फिर से अजय देवगन सर का ये बनने वाला है दृश्यम 2 के बाद। तो आप लोग इसमें क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि इस मूवी के अंदर अजय देवगन सर ने जिस हिसाब से, जिस डेडिकेशन से काम किया ना, मुझे लगता है कि टिकट प्राइस अगर ज्यादा भी है ना तब भी जब आप मूवी देख के बाहर निकलोगे ना वो प्राइस वाइज भूल जाओगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर सच में उन्होंने काफी बढ़िया काम किया। अभी तक एडवांस में किया नहीं है वो भी जो से बताया किया है, कहां से किया है, जगह का नाम मुझे जरूर से बताइएगा, प्राइस कितना है वो भी जरूर से बताइएगा। आज के लिए इतने मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।